अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं बनने वाली। तय कर लो कहां जाना है। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट के अंतर्गत हल्द्वानी में चुनावी सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को जमकर धोया। योगी ने कहा कि अपराधियों के लिए दो ही जगह है, या तो जेल या जहन्नुम, तय कर लो कहां जाना है। कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहाँ अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पहले बमबाजी होती थी, अब हर हर बम बम के उद्घोष के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। अपराधियों के लिए दो ही जगह है, या तो जेल या जहन्नुम, तय कर लो कहां जाना है। यूपी में अपराधियों को गलतफहमी होती है कि यूपी में अपराध करके उत्तराखंड भाग जाएंगे, मैं उन्हें इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो देवभूमि को अपवित्र कर सके। आतंकवाद का जो जहर है तो धारा 370 से देश के दमनियों में घुल रहा था, ये देन कांग्रेस की है, ये किसी और ने नहीं दी, ये कांग्रेस ने दी। ये बीमारी मोदी जी ने बीमारी को हमेशा कदे समाप्त कर दी। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि देश की समस्याओं का नाम कांग्रेस है, आतंकवाद, नक्सलवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार आदि सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। मोदी के नेतृत्व में सभी समस्याओं का समाधान किया है, देश ने गौरव की नई ऊंचाइयों को छुआ है। योगी ने कहा कि अयोध्या का विवाद कांग्रेस ने खड़ा किया था, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, हमने राम और कृष्ण की विरासत को स्वीकार किया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, उत्तराखंड में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम को नई पहचान के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मेरा बचपन उत्तराखंड में ही बीता, दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता था, आज हर घर नल की योजना के कारण 100 में से 90 घरों में पानी पहुंच गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस के समय जातिवाद की राजनीति होती थी, अराजकता का राज होता था, तुष्टिकरण की राजनीति होती थी, आज जो परिवर्तन देखने को मिला है वो आपके वोट ने किया है, आज मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हो रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और अगर आप इस वीडियो को Facebook में देख रहे हैं तो आज ही हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।